हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट नाउ प्रॉपर्टी। यस्टरडे मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। बेटा कोई बता सकते हैं क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये इक्वल होती है। और मैंने एग्जांपल भी बताया था कि जैसे 7C3 वो किसके इक्वल है, That is 7C4, दोनों का जो डिफरेंस, ये दोनों आंसर्स बराबर होंगे और बहुत क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ओके बेटा, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है, अगेन दैट विल हेल्प यू टू मेक योर कैलकुलेशंस मोर इजी, वो क्या है बेटा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। देखिए ऊपर सेम सेम है बट नीचे क्या है, कंजेक्टिव, वन का डिफरेंस है। तो बेटा इसका आंसर एन प्लस वन सी जो है आर। मैंने इसको पता कैसे लर्न किया हुआ है, ऊपर सेम नीचे दो कंजेक्टिव, तो यहां पर ऊपर एक पावर बढ़ जाती है नीचे दोनों से बड़े वाला। अच्छा अगर मैं इसी को ऐसे चेंज कर दूं, लेट अस सी एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर प्लस टू, तो क्या आता बेटा, एन प्लस वन सी आर प्लस टू बड़े वाला, ऐसे याद रखना तो इजी रहेगा, ऊपर पावर बढ़ जानी है और नीचे जो है बड़े वाली चीज है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक किसी को? नाउ नेक्स्ट बेटा, बेस्ड ऑन दिस दीज मेरे पास और भी कई छोटे छोटे ना ऐसी फॉर्मूलेस कह लो या आइडेंटिटीज कह लो जो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी खुद डेवलप कर लेते हैं। आई विल सेंड यू अ पिक जिसमें ये सारे फॉर्मूलेस होंगे, आप कहीं पे भी अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल 17, इट इज गिवन एन सी नाइन इज इक्वल टू एन सी एट, फाइंड एन सी 17। हाँ बेटा देखिए मेरे पास जो है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर देखे तो लेट अस सी कि वैसे देखा जाए अगर NCR 1 है NCR 2 है, NN इक्वल होना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, बट अगर मैं यहां देखूं क्या 9-8 के इक्वल हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, है ना। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था यहां पर कि अगर मेरे पास, मैं इसको माइनस करके भी नीचे लिख सकती हूँ, मतलब एन सी एन माइनस एट भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं अब कंपेयर करूं तो मेरे पास 9 किसके इक्वल आ गया, एन माइनस एट के, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17, और मुझे क्या कैलकुलेट करने को कहा एन सी 17, एन की वैल्यू कितनी है 17, तो 17C17 आंसर कितना आ गया 1। मैंने कल बताया था NCN, हरनूर कौर बेटा आगे आ जा, आजा आजा आगे, शाबाश, इधर से लास्ट कौन बैठा हुआ है, आओ मेरे तरुण आगे आओ, उसका क्या फायदा होगा, इसको ब्रेक कर दे दो कंजेक्टिव नंबर्स में, अगर आप कह रहे हो तो उसका क्या फायदा, वो 2 times दिस आ जाएगा ना, तो आगे इवैल्यूएट क्या करोगे, कुछ भी नहीं, अल्टीमेटली तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये करो या फैक्टोरियल ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इज अप टू यू। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मैंने जो अभी फॉर्मूलेस कराए मैं यूज कैसे कर सकती हूँ, इससे मेरी कैलकुलेशंस इजी हो रही है। मैं फिर बताती हूँ, किसी को भी एनीवन यू कैन चेंज, नो प्रॉब्लम,
मैंने बेटा आप लोगों को कल ये बात बताई थी, NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है। मैं एक और शॉर्टकट डेवलप कर देती हूँ, तो बेटा मेरे पास या तो R1 इज इक्वल टू R2 होता है, और जो R1 है वो N -R2 के इक्वल भी हो जाता है। वो क्यों होता है, मैंने रीजन बताया कि इस चीज को मैं NCN -R2 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं? अभी हमने किया था ना 7C4 दैट इज इक्वल टू 7C3, तो वही कॉन्सेप्ट यूज किया। अब दो ये एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, ऊपर ऊपर सेम है, तो ये नीचे नीचे इक्वल होंगे, वही से ही आया ना। इसको कब रिजेक्ट करते हैं, जैसे इस केस में 9 इज नॉट इक्वल टू 8 ना, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो दैट मींस मैंने क्या किया, फिर मैंने 9 को सीधा N -8 के इक्वल कर दिया। ये सेकेंड वाला केस ले, तो वहां से फ्रॉम हेयर आई कैलकुलेट N इज इक्वल टू 17। अब N मेरे पास 17 आ गया बेटा, ओके तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, NC 17, तो N इज ऑल्सो 17, 17C 17, दैट इज 1, बिकॉज NCN इज 1, NC 0 इज 1, ओके बेटा क्लियर। जस्ट इंप्लीमेंट करना बताया मैंने, और कुछ भी नहीं आप लोगों को बताया, ओके जी। एनी डाउट टू एनी वन? ठीक है बेटा, चले आगे नेक्स्ट। अब मेरे पास जो है यहां पर नेक्स्ट क्या चीज है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज मेंशन्ड हियर। बेटा एग्जाम्पल 18, सबसे पहला स्टेप है यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इंप्लीमेंट क्या होना है, परमुटेशन लगनी है, कॉम्बिनेशन लगनी है, कि दोनों कंबाइंड चीजें लिखनी। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पढ़ते ही आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट आई हैव टू इंप्लीमेंट, वेदर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कंबाइन ऑफ दैट। तो लेट अस सी फर्स्टली, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्जिक्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 persons मेरे को यूज करने हैं, 3 persons। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। हाँ जी बेटा, तो मैं यहां पर क्वेश्चन बता रही थी, मेरे पास वो है हाँ जी बेटा, एक कमेटी बनानी हमने 3 persons की, इज टू बी कॉन्जिक्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? अब उसने कहा है मुझे 3 persons की कमेटी बनानी है जिसमें मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 persons की, 2 men and 3 women। अब बेटा देखो, जो ये सिलेक्शन करनी है, अभी मैंने जो है कि मेरे पास जो कमेटी है वो 3 persons की बनानी है। अब उसने आगे पहले पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने वे से, सिलेक्शन ही है ना, मीन्स एक कमेटी बनानी है। कोई ये तो नहीं है कि पहले बंदे को पहली पोजीशन पे, दूसरे पर्सन को थर्ड में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, सिलेक्शन है, कमेटी है। तो सिंपल, पर्सन कितने हैं, 5, और बनाने कितने हैं, 3, तो 5C3। मैं यहां पर वैसे नहीं कर सकती हूं कि 3 persons बनाने हैं, इसको 5A से सिलेक्ट करना, इसको 4A से, इसको 3 से, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर तो वो कह रहे हैं कि जो पर्सन एक बार सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया, वो दूसरी बार नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसको सेकंड पोजीशन पे ही रखना है, दैट इज रॉन्ग ना। मैंने कमेटी बनानी है, मैंने आपके 5 monitor सिलेक्ट करने हैं, मैं चाहे पहले ड्रेस मॉनिटर मतलब यूनिफॉर्म मॉनिटर सिलेक्ट कर दूं या कोई दूसरा कर दूं, डजंट मैटर। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ओके बेटा क्लियर। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या दिया, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कॉन्जिक्यूट 1 man and 2 women।
यहां कंडीशन दे दी उसने कि मैंने जो 3 persons की कमेटी बनानी है उसमें 1 man है और मेरे पास क्या है 2 women है। ओके जी, अब 1 man एंड 2 women। अब बेटा देखिए, दैट मींस मेरे पास मैन कितने थे, 2, सिलेक्ट कितने करना है 1, तो 2C1 साथ में ही करने है ना, एंड है ना, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, अब 3C2, इज इट क्लियर, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चले बेटा आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास टू गेम, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 cards जो है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 playing cards। अब यहां पर भी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो बच्चे ऊपर वाला पार्ट नहीं करते, मुझे पता है, अटेम्प्ट करना ही भूल जाते हैं, 95% बच्चे भूलते हैं। कल भी बात मैंने यही बताई थी, आज भी यही कह रही हूं। पहले उसने कहा है कि 52 cards में से 4 cards क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, कोई अरेंज तो नहीं करना, सिलेक्शन करना है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 52C4। अब सबको दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस पता चला बेटा कि कहां परमुटेशन लगता है, कहां कॉम्बिनेशन। अब फर्स्ट पार्ट क्या आ गए, अब अपना माइंड यूज करना, प्लीज डोंट सी द सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहा है, ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अगर 4 cards लेने हैं, आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता है ना, 4 तरह के सूट्स है, और उसने कहा है ऑल कार्ड्स जो है वो मेरे पास क्या है, वो सेम सूट से लेने। अब क्या केस हो सकता है, या वो क्लब में से आ जाए, या आ गया, या किस में से आ जाए, चलो जो मर्जी लिख दें, या हार्ट में से, या डायमंड में से, ड्राइंग मत देखना मेरी, ओके क्लियर। देखो खुद आपके अंदर से या वर्ड आ रहा है ना, और यानी इसके केस के साथ क्या करेंगे, प्लस, अपने आप अंदर से आपकी आवाज आएगी यार और लगाना है, या आना है, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। मुझे ये पता चल गया कि चारों केसेस को क्या करूंगी, प्लस। अब सबसे बड़ी बात है, 4 के 4 सेम सूट, मतलब अगर 4 के 4 क्लब में से आए तो मुझे बताओ क्या ऑप्शन होगी, क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, जो है मेरे पास 13 cards होते हैं, सिलेक्शन किसकी करनी है, 4 की, तो दैट मींस 13C4 या प्लस 13C4 या प्लस 13C4 या प्लस 13C4। अब सारी सेम ऑप्शंस हैं, 4 times 13C4। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चले बेटा आगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4 cards belongs to जो है डिफरेंट सूट्स, सिलेक्ट 4 के 4 करने, लेकिन 4 के 4 अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक इसमें से एंड वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस। अब एंड का मतलब मल्टीप्लाई, अब क्लियर हो रहा है जो मैं कहती थी। अब देखिए बेटा, तो कैसे करेंगे, हाँ जी, 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि 1 1 1 एक में से सिलेक्ट कर, क्लियर। बहुत नींद आ रही है, उठ जा मेरा पुत्र, गो एंड वॉश योर फेस, खुद उठ के चल जाया करो बेटा, ओके आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा, 2 are red colors, इंचार्ज को देने, मैं इंचार्ज नहीं हूं, हां जी,
आर जो है रेड कलर्स एंड टू आर ब्लैक कलर्स, उन्होंने कहा है। जो फोर को कार्ड सेलेक्ट करने है ना उस, ओके थर्ड पार्ट रह गया, चलो वो करवा देते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज आर मेरे पास जो है फेस कार्ड्स, बहुत इजी है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं वैसे आपके पास? 12, 12 में से चार ही सिलेक्ट करने है ना, तो 12C4। अब तो ऑरली होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन, ओके पता चल गया व्हाई 12C4। चलिए नेक्स्ट, उसने कहा कि दो रेड कार्ड्स और दो ब्लैक कार्ड एंड है, मुझे इतना पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब मेरे पास जो है दो रेड दो ब्लैक, तो वेरी गुड 26C2 मल्टीप्लाई 26C2, ओके जी। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर्स, मतलब या तो वो रेड होना चाहिए या ब्लैक, अपने आप या आ गया तो दैट मीन्स 26C4 26C4, ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, लेट अस डू द एक्सरसाइज, आप खुद ट्राई कीजिए सभी। अब आपकी टर्न है मुझे बताना एक्सरसाइज 7.4। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है NC8 इज इक्वल्स टू NC2 फाइन, ये तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। हाँ जी चलो रुनू राजा बेटा, डू इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आजा आजा फटाफट, शाबाश गेट अप जल्दी, क्यों नहीं पहले ही सोच लिया? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? दैट मीन्स यू हैव नॉट लिसन टू मी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं सुना ना रूल, पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा पुत्र। आओ दिव्यांशी, हमने बिल्कुल क्वेश्चन किया है 7 और 8 9 17 वाला किया था ना अभी, ऐसा ही कोई क्वेश्चन NC17 निकालना के 14 वाला क्वेश्चन था। चलिए दिव्यांशी फटाफट बेटा, आप सब अपना करो, इफ दैट इज डन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है बेटा, गुड। कुछ भी नहीं, NN सेम था, हरनू ध्यान से देखना मेरा बेटा, 8 और 2 इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है ना, तो मैं इक्वेट नहीं कर सकती थी, तो मुझे क्या करना पड़ा यहां पर, इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लगाया NC दोनों को माइनस की N-2, अब दोनों को कंपेयर किया, इक्वल किया, इक्वल किया, यहां से एन की वैल्यू क्या आ गई 10। अब मुझे 10C2 निकालना है, 10C2 निकालना आता है, कल मैंने शॉर्टकट भी बताया था, 10C2 10 × 9/2 × 1, तो आंसर कितना आएगा 45। बेटा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप साथ साथ काम नहीं कर रहे हो, एक ही बात है, आंसर तो वही आएगा। मैंने वो शॉर्टकट बताया था ना कि जितने नीचे वैल्यू होती है उतने टर्म्स लिखनी है ऊपर, और नीचे उससे स्टार्ट करके टिल 1 तक, ओके क्लियर बेटा, समझ आ गई जो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब आपका होमवर्क है सेकंड क्वेश्चन, कल मैंने सबकी कॉपीज पे चेक करना है बच्चों की तरह, ओके बी रेडी। हां जी नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बेटा बताओगे अब आप ही, आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं,
और कितनी कॉर्ड्स बनेंगी? मुझे बताओ, कॉर्ड्स को बनाने के लिए आप कितने पॉइंट्स एट ए टाइम यूज कर रहे हो? अब मैंने ये चेक करना है कि परमोटेशन लगे कि कॉम्बिनेशन लगे। क्यों कॉम्बिनेशन लगा? बिल्कुल, मैं इधर से इधर वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दूं या मैं इधर से मतलब इधर वाले को कर दूं, कॉर्ड तो कॉर्ड ही बननी है ना, डजंट मैटर ना। तो मुझे पता चल गया कि कॉम्बिनेशन यूज होना। अब 21 में से एट ए टाइम यूज कितने होने हैं? 2। तो आंसर क्या आएगा? 21C2। बेटा मैंने आपको बताया ये 2 पॉइंट्स हैं, मैंने कॉर्ड बनानी है। जब जो चाहे मैं इधर से इधर को ज्वाइन कर दूं या मैं इधर से इधर ज्वाइन कर दूं, कॉर्ड तो सेम ही बनेंगे ना, अरेंजमेंट डजंट मैटर ना। आप ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से, कॉर्ड तो ए बी बननी है, चाहे तुम उसे बी ए कॉर्ड लिख दो या ए बी कॉर्ड लिख दो, डजंट मैटर। तो दैट मींस सिंस अरेंजमेंट डजंट मैटर्स, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन। ओके जी, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो। चलो मन्नत, इट्स योर टर्न, रीड द क्वेश्चन मन्नत एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। मैं सबके लिए रीड कर देती हूँ एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मेरे पास 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। चलिए, 5, वेरी गुड, 4C3, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये थी सिलेक्शन। यहां पर उसने कहा कि कमेटी बनानी है। अगर वो साथ में मुझे कहता ना इनको अरेंज भी करो, अब बॉयज और गर्ल्स अलग अलग सेपरेट थे है ना, इधर ज्यादा थे कम सिलेक्शन है, ज्यादा है कम सिलेक्शन है, सिलेक्शन होगी। अगर मुझे कहता ऑल्सो अरेंज देम और टेल मी हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 6 स्टूडेंट्स, तो क्या करते साथ में? हाँ जी, सीधा परमोटेशन लगाते। अगर आप सीधा, अगर आप कहते ना कि मैम मैं ये यूज कर रही हूं, दैट इज रॉन्ग। रीजन, आपने बॉयज को बॉयज में अरेंज कर दिया, गर्ल्स को गर्ल्स में अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल से, ओनली 3 से, 6 फैक्टोरियल से। अरे टोटल बबच्चे कितने सेलेक्ट हुए? 6, 3 बॉयज 3 गर्ल्स। तो मैं इसके साथ साथ में क्या लगाती? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है? अरेंज 6P6 दोनों, मतलब सबको इकट्ठे अरेंज करना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि बॉयज को अलग मैनेज करो, गर्ल्स को अलग, ये नहीं कहा ना, नहीं कहा था ना। तो इसीलिए अगर मैं कहती ना कि मैंने बॉयज को इकट्ठे बैठाना है, गर्ल्स को इकट्ठे बैठाना है, तो पता क्या क्वेश्चन चेंज हो जाता कैसे? तब आप कर सकते थे, आपने क्या किया तब? 5P3 4P3 बट साथ में 2 फैक्टोरियल या 2 लगना था। मुझे बता सकते हो 2 क्यों लगना था? एनी ना ना ना, मैंने कहा बॉयज को इकट्ठे, गर्ल्स को, वो तो मुझे भी पता है बॉयज बॉयज है, गर्ल्स गर्ल्स है, दो अलग अलग ग्रुप। मतलब पहले मैं बॉयज को बिठा सकती हूँ फिर गर्ल्स को, उल्टा भी तो कर सकती हूँ ना, पहले गर्ल्स को फिर बॉयज को, दो वेज हो गए, मतलब दो ग्रुप हो गए ना। तो उनका मैंने अरेंजमेंट कर दिया, 2 फैक्टोरियल या 2 वेज, 1 इज द सेम थिंग। अब पता चला, सब कुछ क्लियर हुआ? कितने केसेस एक ही क्वेश्चन में किए हमने? मतलब ये आपने सोचना है, अगर मैंने अलग सिलेक्शन करके अलग ही अरेंजमेंट करना है तो मैं डायरेक्टली परमोटेशन यूज कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि 6 के 6 को पहले आप सिलेक्शन करो फिर अरेंज करना है, तो तब मैं सेपरेट सेपरेट करके मैं परमोटेशन नहीं लगाऊंगी, अरेंजमेंट एंड में करूंगी, पहले सिलेक्शन करूंगी। बात क्लियर बेटा? ऐसा एग्जाम्पल एक आएगा आपकी बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल है, देन यू कम टू नो। ओके, डाउट क्लियर है सबको? चलू बेटा आगे।
चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। देखो सिलेक्शन हो गई 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, जो है रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ ईच सिलेक्शन कंटेन्स, जो है कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मैंने जो 9 की 9 सिलेक्ट करनी है वो कैसे करनी है, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, मैंने क्या करना है, सिर्फ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मैं क्या करूं, क्या यूज करूं, कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट तो नहीं करना, तो क्या कर दें हम इसको, कैसे करें, एक मिनट, काव्य 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 ओनली काव्य विल सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं कह देती, मान लो बॉल्स की जगह ना मेरे पास पेपर होता कोई, और मैं कहती कि मैंने फ्लैग बनाना है या कोई डिजाइन बनाना है, है ना, तो मुझे बताइए कि यानी डिजाइन बनाना है तो अरेंजमेंट मैटर्स करते हैं ना, मैटर्स, तो मुझे बताइए क्या कैसे करेंगे, इनटू 9 फैक्टोरियल। अच्छा बस यस, रेपिटिशन नहीं हो रही, रेड वाला पेपर है तुम फर्स्ट पे लगा रहे हो, पहले वाला दूसरे वाला सेकंड में लगा रहे हो, या सेकंड वाला पहले पे लगा दो, रेड कलर तो रेड ही रहना है, तो यानी 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सारी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए, मैंने आपको बार बार कह रही हूं, लिखना कम लेकिन माइंड यहां पर बहुत ज्यादा यूज होनी। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें मतलब आपको लगता है कि हम कुछ माइंड यूज कर रहे हैं। क्लियर, पता चल गया, चले आगे क्वेश्चन पे। चलिए लेट, अगर मैंने कहा कि 3 डिफरेंट कलर, मैंने तो 9 के 9 यूज किए ना बेटा, तो इसीलिए डिवाइड। अगर वो कहता कि 3 डिफरेंट, इसका मतलब सिलेक्शन तो 3 की होनी थी, एट ए टाइम 6C1 मेरे पास इंटू 5C1 फिर 5C1 फिर इंटू क्या लगाते, 3 फैक्टोरियल, डिवाइड तो होना ही नहीं क्योंकि सारे 1 1 1 एक एक ही है, तो मैं रिपीट कर ही नहीं पा रही। ओके चलूं आगे बेटा, चलिए नाउ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास हो गए 52 कार्ड में से 5 कार्ड्स जो है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ace इन ईच कॉम्बिनेशन। मेरे पास हर कॉम्बिनेशन में कम जो है 1 ace जरूर आना चाहिए, यानी 5 कार्ड में से एक तो हमने यूज कर ही ली है ना, और टोटल में से भी 4 ace चले गए। चलो पहले एस की सिलेक्शन कर ले, 4 ace का सिलेक्ट कितने करना है, 1 into 48, क्योंकि एस दोबारा नहीं ना यूज कर सकती, तो 48 सिलेक्ट कितने करने हम, 4, क्योंकि 5 करने थे तो 4, काम खत्म। क्यों अरेंज तो करना बेटा, फिक्स किया मैंने, ये तो नहीं कहा कि 4 कार्ड्स आए, हम प्लेइंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने आप तीनों बच्चों को देने, मैंने पहला कार्ड आपको दिया, दूसरा इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ कार्ड फिर इसको दे दिया, इसके पास 1 ace आया, 1 Q आया, डजंट मैटर पहले एस आया या किंग आया, रहने तो दोनों के दोनों कार्ड इसके ही है ना, कि जहां मर्जी लगा ले,
परमोटेशन तो तब होता, मैंने फिक्स करने का मतलब डजंट मीन कि मैंने पहली पोजीशन पे फिक्स किए, मींस मैंने अपने लिए फिक्स कर दिया कि जब भी मैंने कार्ड्स देने हैं ना तो मैंने एक एस कार्ड जरूर देना चारों बच्चों को, दैट आई हैव फिक्स। तो अदरवाइज मैंने और तो कुछ नहीं, पोजीशन नहीं कोई फिक्स की, इसीलिए परमोटेशन से नहीं करेंगे। समझ आ गया बेटा? मैंने ये कहा मेरे पास बेटा ये चार एस है, फोर स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैंने कहा अब बाकी कार्ड्स मेरे साइन में है, बाकी कितने बचे 48। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना तो मैंने अपनी गेम में ये रखा कि मैंने चारों बच्चों को या पांच कार्ड्स देने थे, पांच पांच मान लो मैंने कॉम्बिनेशन बनाना है, चारों को देने या पांचों को देने डजंट मैटर, हमने तो कॉम्बिनेशन बनाना है कि 52 कार्ड्स में से अगर मैं 5-5 कार्ड सिलेक्ट करूं तो कितने मेरे पास वेज हो सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया कि इन चारों में से एक कार्ड तो मैंने लेना ही लेना, यानी अब इनको यूज नहीं कर सकती ना, इनको मैंने साइड पे रख रही, मेरे पास एक सिलेक्शन होगी। किसको सिलेक्ट करने के कितने वे से 4C1 साथ में, क्योंकि मैंने 5 कार्ड्स लेने हैं, अब मैंने 4 और सिलेक्ट करने हैं ना, किस में से बचे हुए कार्ड में से जो मेरे इस हैंड में, वो कितने कार्ड्स थे 48, सिलेक्ट कितने करने 4, बस बात समझ। एक फिक्स, एक लेना ही लेना है। अब एस को मैं दोबारा थोड़ा दे सकती हूँ क्योंकि उसने कहा एग्जैक्टली एक ही एस होना चाहिए, तो मैं इन जो 4 कार्ड्स में से एक ही यूज हो गया, 4 तो जो बाकी 3 बचे उनको यूज ही नहीं कर सकती ना, दैट्स व्हाई। क्लियर? ओके, ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके बेटा, क्लियर?